ये क्वेश्चन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक ठीक है। क्वेश्चन है कि यदि इसमें जेड माइनस आर का कॉमन इक्वल टू जेड माइनस वन का मोड राइट देन इट्स रिप्रेजेंट हमें दिखाना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्किल है, पैराबोला या क्या है। उसे मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ठीक है। इसमें वैल्यू फिक्स करेंगे एक्स प्लस आई वाई माइनस आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस राइट। अब यहाँ पे इसको हम एक्स प्लस आर का कॉमन ले लें वाई माइनस वन इक्वल टू इसको लिखेंगे एक्स माइनस वन प्लस आई। इसका अगर मोड निकाल लें रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये भी रूट में आएगा प्लस वाई ठीक है। क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड ये क्या आ जाएगा, ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये कैंसिल ठीक है। वन से वन कैंसिल माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस टू वाई से कैंसिल वाई बराबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेट बस विच मेक एन एंगल 45 विद पॉजिटिव एक्सिस यानी कि विच रिप्रेजेंट ए लाइन फ्रॉम द ओरिजिन टू द ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन विद अ स्लोप विद अ स्लोप। नोट कीजिए इसको
function is यदि x equal to minus 5 plus 2 minus 4, तब हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है. एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? x की पावर 4 प्लस 9x की 3 प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का मान होगा 160, बी माइनस 160, सी 60 और डी माइनस. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? फाइव को लेफ्ट साइड में लाएंगे. एक्स प्लस फाइव को टू माइनस फोर, इसको लिख सकते हैं टू फोर आयोटा, राइट. अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, क्या कर दें? स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इक्वल टू 2 × 4 चौक 16, आई स्क्वायर को माइनस 16 को लेफ्ट साइड में लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल टू. ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है उसकी, एक्स की 4 की, एक्स प्लस 9 क्लियर. Both side x की 4 plus 10x 41 y square plus x square.
वैल्यू हमें किसकी दी हुई है, हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस 35 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 4 10 x square minus 45 x my way 4 x square plus 40 x plus 4 डिविडेंड जो हो रहा हमारा, ये डिविडेंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस 4 कोसेंट क्या आया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 प्लस रिमाइंडर माइनस 160, ये इसके है जो वैल्यू हमें गिवन है, क्या है गिवन है और इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये वाला भी सेम रहेगा माइनस 140 160 इक्वल, ये 0 हुआ, 0 माइनस 160 इक्वल टू 160 इज, ठीक है।
ठीक है, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करके देखेंगे। पहले से किया, यहाँ एफ ऑफ की वैल्यू आ गई, फाइंड आउट हमें पावर फोर करनी है, तो हम क्या करते हैं इससे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवाइड करने में कब तक करते हैं डिवाइड एट दिस टर्म, जब तक कि पावर फोर है, पावर इसके इक्वल जो पावर होगी टू तक वो खत्म ना हो। नोट कीजिए इसे। लिखने भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 3 + 2 iota sin theta / 1 - 2 iota sin theta क्या होगा? रियल अगर है, इफ रियल देन थीटा इक्वल क्या होगा? ऑप्शन है इसके ए 2n π, दूसरा है बी (n π + π/2), सी है (n π), डी है
none of these, none of ठीक है। हमने बताया था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर नीचे आयोटा आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम उसको किसी कंजुगेट से मल्टीप्लीकेशन करके तो सबसे पहले रेशनलाइज करें, ठीक है। तो रेशनलाइज सकते हैं आपको रेशनलाइज रेशनलाइज क्या करेंगे इसका आयोटा चेंज करके थ्री कलर टू आयोटा साइन थीटा वन माइनस टू आयोटा साइन थीटा की जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे वन कलर टू आयोटा साइन थीटा वन कलर अभी पे हम मल्टीप्लीकेशन करें थ्री माइनस टू टू या फोर साइन स्क्वायर थीटा राइट प्लस आयोटा थ्री टू या सिक्स साइन थीटा प्लस टू साइन थ्री की टू में और टू की वन में दिया है। अपॉन यहाँ क्या होगा वन स्क्वायर माइनस फोर आई स्क्वायर साइन थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस वन, ये कितना हो जाएगा प्लस फोर साइन वन प्लस फोर साइन थीटा वन प्लस फोर साइन ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये कह रहा कि रियल कब होगा, इट इज रियल इफ इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो, दैट इज सिक्स साइन थीटा प्लस इसको एट साइन थीटा ही लिखते हैं अपॉन वन प्लस फोर साइन थीटा इक्वल टू जीरो, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा टू जीरो। और जीरो किसकी वैल्यू होती है साइन जीरो की, साइन पाई की, साइन टू पाई की, साइन थ्री पाई की, दैट इज साइन एन पाई, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आया हमारा एन। तो अगर थीटा बराबर एन पाई है तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होगा रियल होगा, तो इट इज
क्या करते हैं क्या है? यदि अल्फा पर उनका इकाई बेस सम्मिश्र मूल हो, यदि अल्फा व बीटा इकाई के सम्मिश्र मूल हो की फोर प्लस बीटा की फोर वन अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू होता है क्या होता है जबकि इवन वैल्यू है 3 0 1 2 3 0 क्या दिए हुए अल्फा और बीटा? अल्फा और बीटा हमारे दिए हुए हैं इकाई के कॉम्प्लेक्स में। देखिए जो इकाई के कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं या रूट्स की बात करूँ वो वन होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर। और इसमें इकाई के सम्मिश्र मूल दिए अल्फा और बीटा, वन को छोड़ते हुए वन कैसा है? रियल रूट है। ओमेगा में स्क्वायर कैसे है? सम्मिश्र है। इसको अगर मैं अल्फा मान लू, इसको अगर मैं बीटा मान लू, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी? अल्फा की फोर प्लस बीटा की। ऐसे ले सकते हैं अल्फा की फोर प्लस बीटा की फोर प्लस अल्फा बीटा की पावर माइनस वन, राइट? अल्फा की पावर फोर, अल्फा इक्वल टू क्या मान लिया? ओमेगा की पावर फोर होगी, बीटा ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा की पावर एट प्लस अल्फा और बीटा दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए ओमेगा की थ्री की पावर माइनस वन, ठीक है? वैल्यू की लगती है वन पावर माइनस वन, ये क्या आ जाएगा? क्या हुआ? जीरो आंसर आएगा हमारा।
पहले वाला क्वेश्चन बन गया। आयोटा टू साइन थीटा माइनस वन वास्तविक भाग क्या है। देखिए अगर पावर माइनस वन ना होती तो वास्तविक भाग हमारा ये था, अब ये माइनस वन है इसलिए हमें इसको हटाना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन से वन कैंसिल, प्लस आयोटा टू साइन थीटा, साइन टू थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो फोर साइन थीटा वाई टू और फोर थीटा वाई टू यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर इनसे कॉमन ले टू तो ये कॉमन आएगा और एक हमारा साइन थीटा वाई टू यहाँ बचेगा, साइन थीटा वाई टू प्लस टूटा फोर थीटा वाई टू। ठीक है, और सारे की पावर हमारी रहेगी माइनस वन। ठीक है, माइनस वन जो टू कॉमन लिया होगी यानी कि इसको लिख सकते हैं हमारा साइन थीटा बाई टू, और ये अगर माइनस में है इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा बाई टू आई टू। इसके साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साइन थीटा बाई टू माइनस आयोटा माइनस में है इसको कैसे लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा बाई टू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
प्लस माइनस आई स्क्वायर प्लस वन फोर स्क्वायर का वर्ग। इसका जो रियल पार्ट होगा
आई वाई बराबर यदि आई वाई बराबर सारी क्वांटिटी माइल पर कर दो
डीबी है जेड माइनस फोर सक्सेसफुल यूज करेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन जीरो थर्ड है रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो फोर्थ है नन ऑफ ठीक है मान लिया जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई ए इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ इसकी वैल्यू रख दें एक्स प्लस आई वन माइनस टू कम हो लेस देन स्क्वायर एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंथ एंड पता ही नहीं है
ये पार्ट ऑफ दैट रहते हैं, इससे होगा थ्री। देखिए आप जल्दी लिखिए।